तो गाइस हमने फ्लिपकार्ट पे आया पहला ऑर्डर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। अब वहाँ पे जाओ, थोड़ा लाइट नहीं आ रहा इसके लिए, ठीक है। तो पहला ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे कैसे प्रोसेस किया जाता है मैं दिखाता हूँ आपको। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको पीछे में दिखा दे रहा हूँ कि सेलर डैशबोर्ड में आए हम लोग, ये फ्लिपकार्ट का खुल गया पेज। और इसके अंदर अगर आपको देखना है कि कैसे प्रोसेस किया जाता है तो मैं दिखाता हूँ आपको, पास से दिखाता हूँ आपको। ऐसे तो दिखेगा मुझे, एक मिनट पास। इस तरह का टैब दिखेगा आपको, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जाना है ऑर्डर्स में, एक्टिव ऑर्डर्स में और पेंडिंग लेबल्स में जाके ये ऑर्डर जनरेट लेबल्स कर देना है। जिससे प्रोसेस लेबल करेंगे हम लोग तो ये ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा, ये लेबल। तो ये आ जाएगा पेंडिंग आरटीडी में। पेंडिंग आरटीडी में आने के बाद हमें इसको वापस से प्रोसेस करना है ताकि ये चले जाए मार्क है सारे रेडी में। तो ये हम लोग का पहला ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से पहला ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है फ्लिपकार्ट का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर तो आ गया आपके पास, लेकिन उसको पैक कैसे करना है, ठीक है। तो भी एक समस्या हो जाती है बहुत से लोगों के लिए, तो मैं वो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये आ गया अपना लेबल, मैं आपको ये भी दिखाई दूँ, ठीक है। प्रिंट मार देते, पहले इसको प्रिंट मार देते। तो इस तरीके से हमारा प्रिंट आ चुका है। तो आप लोग अगर इस ऑनलाइन रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रिंट आ चुका है, अभी मैं इसको पैक करके आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से पैक किया जाता है, ओके।